नमस्कार दोस्तों, मैं टीचर्स एकेडमी से सत्या एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि कल मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अपलोड कर दिया था यूजीसी नेट जेआरएफ का। ठीक है, आज हम जो सिलेबस लेके आए हैं वो हिस्ट्री का है, और यूजीसी नेट जेआरएफ का हिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि जो पाठ्यक्रम है, जो यूजीसी नेट का जो हिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है वो 10 भाग में डिवाइड किया गया है, 10 इकाइयों में बटा हुआ है। इसमें 100-150-200 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक में 4 ऑप्शन दे जाएंगे और उनमें से एक सही उत्तर आपको देना होगा, और कम से कम 10-15-20 प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 या 2 अंक निर्धारित होंगे। ये टिप्पणी कह रही है, यूजीसी नेट जेआरएफ की साइट खोलेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। आगे चलिए, इसमें कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, वो शब्दावलियों पे चर्चा करते हैं। शब्दावलियाँ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आके बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दावलियाँ क्या दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। जो शब्दावलियाँ दी गई हैं उसमें दिखाया गया है भारतवर्ष, सभा और समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद, कर्म का सिद्धांत, दंड नीति, अर्थशास्त्र, सप्तांग, धर्म विजय, स्तूप, चैत्य विहार, नागर, द्राविड़, वेशरा, बौद्धसत्व, तीर्थंकर, अलवार, नयनार, श्रेणी, भूमि छिद्र विधान न्याय, कर भोग भाग, विष्टि, स्त्रीधन, स्मारक पत्थर, अग्रहार, आइन ई दशशाला, परगना, साहना ई मंडी, महलवाड़ी, हिंद स्वराज, वाणिकवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, खिलाफत। ये जो शब्द हैं, इन शब्दावलियों पर चर्चा की जाएंगी, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि जो शब्द दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे इसमें दिया है सभा और समिति, तो ये गुप्तचर संस्था हुआ करती थी सभा और समिति। ठीक है, वर्णाश्रम आप जानते ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्णाश्रम। उसी तरह इस सारे शब्दों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, आगे और भी शब्द दिए हुए हैं इसमें, सुलह एकुल, तुर्की चिहलगानी, तुर्की चिहलगानी आप लोग को याद होगा, वही दल चालीसा। ठीक है, वतन, बलूता, तकावी, इकता, जजिया, जकात, याद आया ये सब क्या हैं, कर हैं। इकता प्रणाली अपनाई गई थी, जजिया कर लगाया गया था, जकात कर लगाया गया था, ये मध्यकालीन इतिहास के समय की बात है। मदद ई मास, अमरम, राय रेखो, जंगम, दास, मदरसा, मकतब, चौथ, सरदेशमुखी, सराय, पोलीगर, जागीर, शरीयत, दस्तूर, मनसब, देशमुख, नाडू, उलेमा, फरमान, सत्याग्रह, स्वदेशी, पुनः परिवर्तनवाद, संप्रदायवाद, प्राच्यवाद, प्राच्य निरंकुशतावाद, विऔद्योगीकरण, भारतीय पुनर्जागरण, आर्थिक अपवाहन, उपनिवेशवाद, परमोच्च शक्ति, द्विशासन तंत्र। इसके आगे शब्द कुछ और दिए गए हैं, शंखवाद, उपयोगितावाद, फिल्टर सिद्धांत, अग्रवर्ती नीति, राज्य लोप सिद्धांत, सहायक संधि, सुधर्मवाद, भूदान, पंचशील, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, हिंदू कोड बिल, ऐतिहासिक पद्धतियां, साहित्यिक चोरी, इनमें लेखन में आचार और नैतिकता। ये इतने टॉपिक जो हैं इसमें शब्दावलियों में दी गई है, इतने शब्दावलियाँ दी गई हैं, आपको शायद शब्दावलियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत सी शब्दावलियाँ ऐसी हैं जो आप लोग पढ़े भी होंगे, ग्रेजुएशन के दौरान आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये शब्दावलियाँ हैं। अब आगे चलते हैं इसके इकाई एक में। इकाई एक में दिया है स्रोत संबंधी वार्ता, स्रोतों संबंधी जो स्रोत होते हैं इतिहास से जानने के, जो स्रोत होते हैं उनके बात कह रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है। पुरातात्विक स्रोत देखिए, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख, विधा तथा मुद्रा शास्त्र की जानकारी, पुरातात्विक स्थलों का काल निर्धारण। ठीक है, ये पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में स्वदेशी साहित्य, अपने देश का खुद का साहित्य, प्राथमिक और द्वितीयक, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मिथिक, दंतकथाएँ, आदिकाल के निर्धारण की समस्याएँ। सबसे लास्ट वाली जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, विदेशी विवरण, यूनानी, चीनी और अरबी विद्वान। खासकर किसका नाम दिया है, यूनानी, चीनी और अरबी विद्वान का, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं, पशुचारण और खाद्य उत्पादन में देखिए दिया है नवपाषाण का और ताम्र पाषाण युग। पाषाण युग वही दोस्तों पत्थर का काल बोलते हैं, पाषाण युग
तो इसमें पूछा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, किस पाषाण काल में जो हथियार थे चिकने होते थे और नुकीले होते थे, किसमें खुरदरे होते थे, ये क्वेश्चन। आदिवासन वितरण औजार और विनिमय का ढांचा, उस समय लोगों में जो विनिमय का ढांचा था, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, तो आदान प्रदान लोग कैसे करते थे, उस समय मुद्रा चलती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, आदान प्रदान कैसे करते थे, वस्तुओं के माध्यम से करते थे। किसी के पास अगर गेहूं है वो उसको गेहूं देता, किसी के पास चावल है उसको चावल देता। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, वस्तु विनिमय का मतलब होता है जब वस्तुओं के माध्यम से एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान या लेन देन होता है, ठीक है। आज वर्तमान हमारे यहाँ चल रहा है मुद्रा विनिमय, वर्तमान में क्या है, मुद्रा विनिमय, हम पैसा देते हैं दुकान वाले को तो दुकान वाला क्या करता है, हमको सामान देता है, तो आज वर्तमान में कौन सा विनिमय है, मुद्रा विनिमय है, ठीक। फिर दिया है सिंधु हड़प्पा की सभ्यता, जी हाँ, उसका उद्भव, उसकी विस्तार सीमा, उसके मुख्य स्थल, अधिवास का स्वरूप, शिल्प विशिष्टता, धर्म, समाज, राज्य शासन विधि, सिंधु घाटी सभ्यता का हास, आंतरिक और बाहरी व्यापार, भारत में प्रथम शहरीकरण। बहुत इस पूरे टॉपिक को इंपॉर्टेंट लगाइएगा, जो जो टॉपिक में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको लगा लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगाइए पूरा टॉपिक। प्रमुख स्थल कौन से हैं, इसका विकास कैसे हुआ, किस नदी किनारे हुआ, हाँ, इसका हास कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ के शिल्पकलाएँ, धर्म क्या था, सब पढ़ना है इस पर। वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग, उत्तरकालीन वैदिक युग, आर्यों संबंधित विवाद, सबसे पहला टॉपिक तो यही है, आर्यों संबंधित विवाद। कुछ लोग कहते हैं आर्य कहाँ रहने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ के नहीं, यहाँ के रहने वाले हैं, अलग अलग मतभेद होता है। तो यहाँ पे जो विवाद है उन पर देखेंगे किस इतिहासकार ने क्या बताया है। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएँ, राज्य संरचना, राज्य के सिद्धांत, वर्ण और सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव, धार्मिक और दार्शनिक विचार, लौह प्रौद्योगिकी का प्रारंभ, दक्षिण भारत के महापाषाण, ये सब इतने टॉपिक इसमें दिए हैं। राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार में देखिए, महाजनपद, राजतंत्री और गणतंत्री राज, आर्थिक और सामाजिक विकास, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव। अशास्त्रीय पंथ में देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय का उद्भव, ये सारी टॉपिक्स जो हैं इसमें दिया है भाग एक में, इकाई एक में इतने टॉपिक दिए गए हैं। चाहे दूसरे भाषा में कहा जाए तो सिर्फ इसमें बताया गया है कि पाषाण युग, वैदिक काल, और इसके अलावा जो इसमें और दिया था, क्या दिया था, सिंधु या हड़प्पा की सभ्यता, उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करना है। डिटेल से मतलब सिर्फ यही नहीं कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण है, डिटेल का मतलब किस इतिहासकार ने क्या कहा, क्या विवाद थे, कौन से स्थान महत्वपूर्ण थे, कैसे उनका हास हो गया, कैसे उद्भव में आए, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी तरह से चर्चा की जानी है। इकाई टू में आते हैं हम लोग, राज्य से साम्राज्य तक, मगध का उत्थान, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण और उसके प्रभाव, मौर्यों का प्रसार, मौर्यों की राज व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, अशोक का धर्म अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रकृति, मौर्य साम्राज्य का हास और विघटन, मौर्यकालीन कला और वस्तुकला, अशोक के राजा देश, भाषा और लिपि, इसको अंडरलाइन करिए, अशोक के राजा देश और भाषा लिपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। पूरा मगध पढ़ना है, सिकंदर पढ़ना है, अशोक पढ़ना है, सब मौर्य काल के बारे में। साम्राज्य कांत, क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव, इंडो यूनानी, शुंग वंश, सातवाहन, सातवाहन को अंडरलाइन कर लिए मित्रों, ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ पूछा था एक बार, टीजीटी में आया था, नेट जेआरएफ में आ चुका है, वो कौन सा वंश है जिसने कांच के सिक्के चलाए थे, सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश कुषाण और शक, छत्रप, संगम साहित्य, संगम साहित्य में प्रतिबिंबित दक्षिण भारत की राज्य शासन प्रणाली और समाज, दूसरी शताब्दी BCE से तीसरी शताब्दी CE तक व्यापार और वाणिज्य, रोमन जगत के साथ व्यापार, महायान, बौद्ध धर्म, खारवेल, जैन धर्म का उद्भव, मरुत्तर काल में कला, वास्तुकला, गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियाँ, जो लास्ट में जो कला और शैलियाँ दी हैं इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी जो सातवाहन, शुंग, इस समय बहुत छोटे छोटे वंश हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं चले, तो इसके बारे में वहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, 8-10 प्रश्न आते हैं, उससे हम लोग चर्चा करेंगे। गुप्त वाकाटक युग, जी हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। गुप्त वाकाटक युग में राज्य शासन व्यवस्था और समाज, कृषि अर्थव्यवस्था, भू अनुदान, भू राजस्व, भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के, सिक्के अंडरलाइन कर लीजिए, गुप्तकालीन सिक्के अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मंदिर स्थापत्य कला अंडरलाइन करिए। पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव, संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, गणित और औषधि में विकास, जो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगाया है, गुप्तकालीन सिक्के, मंदिर स्थापत्य कला, भू राजस्व, कृषि, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। हर्ष और उसका युग, प्रशासन और धर्म, दोनों अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में शालाकेयान वंश, विष्णु कुंडी वंश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे हम लोग।
देखिए क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, दक्षिण में कौन कौन से राज्य थे, गंग वंश, कदम वंश, पश्चिम पूर्वी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी चालुक, काकताई, होयसल और यादव वंश। दक्षिण भारत के थे, साउथ इंडिया के वंश थे ये। एग्जाम में पहले सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, साउथ इंडिया के कौन कौन से वंश हैं, निम्नलिखित में से कौन से अलग हैं। ऐसे दक्षिण भारत में साम्राज्य में देखिए पल्लव, चेर, चोल, पांडव वंश, पांड्य वंश, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको चर्चा करेंगे। इतिहास का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का। पूर्वी भारत में साम्राज्य बंगाल के पाल और सेन, कामरून के वर्मन, उड़ीसा भामकार और सोमवंशी। पश्चिम भारत में साम्राज्य बल्लभी के मैत्रिक, गुजरात के चालुक्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी भारत के साम्राज्य में गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चेदी, गढ़वाल वंश, परमार वंश, ठीक है। पारंपरिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएँ में प्रशासन और राजनीतिक ढांचा, राजतंत्र का वैधिकरण। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश दिया है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कृषि व्यवस्था, इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, सॉरी अंडरलाइन क्या करेंगे, टिक लगा लीजिए पूरा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। भूमि अनुदान, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध, श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार, किसान वर्ग, जल संसाधन, और इसी में सबसे महत्वपूर्ण है वो है कर प्रणाली, सिक्के और मुद्रा प्रणाली। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर प्रणाली, सिक्के और मुद्रा प्रणाली। आगे चलते हैं, व्यापार और शहरीकरण में व्यापार का ढांचा, शहरी बस्तियों का स्वरूप, पत्तन और व्यापार मार्ग, व्यापारी माल और विनिमय, व्यापार संघ, गिल्ड, अंडरलाइन कर लीजिए गिल्ड को, बहुत पूछा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण, इसको अंडरलाइन करिए, उपनिवेशीकरण को भी, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। ब्राह्मणी धर्मों का विकास में वैष्णववाद, शैववाद, मंदिर संरक्षण, क्षेत्रीय बहुशाखान, मंदिर स्थापत्य कला और क्षेत्रीय शैलियाँ, दान, तीर्थ और भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकर, माधव, रामानुजाचार्य, ठीक है, ये इनके बारे में पढ़ना है। समाज, समाज को अंडरलाइन कर लीजिए, समाज, दूसरी लाइन दिया शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाएं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए दोनों। और सबसे लास्ट में दिया अरब के साथ संबंध, तीनों अंडरलाइन करिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समाज में वर्ण, जाति और जातियों का प्रचुत भवन, स्त्रियों की स्थिति, लिंग, विवाह, संपत्ति संबंध, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां, किसानों के रूप में जनजातियां और वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान, अस्पृश्यता, ये पूरा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे पूरा डिटेल्स जो जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए वो आपके एग्जाम में आ चुका है या आने की प्रबल संभावना है, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं में देखिए शिक्षा के केंद्र ग्रुप अग्रहार, मठ, महाविहार, ये विहार से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, प्रारंभिक मध्यकाल भारत में राज्य के निर्माण की चर्चा है, सामंत मॉडल, खंडीय मॉडल, समन्वय मॉडल, इसमें सामंत मॉडल को अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आ चुका है। देखिए सिलेबस अपलोड देखने से पहले, इसको अपलोड करने से पहले पूरा जो पेपर देखा गया उसमें देखा गया, उसमें एक चीज़ मैंने देखी, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हिट हुए हैं मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले उस टॉपिक को ही इम्पोर्टेंट बता दूंगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए, ठीक है। अरब के साथ संबंध में सुलेमान गजनवी व गजनवी विजय अलबरूनी का यात्रा विवरण, दोनों इम्पोर्टेंट है। इकाई 4 में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखिए, पुरातात्विक, पुरालेखीय और मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, भौतिक साक्ष्य और स्मारक, इतिवृत्त साहित्यिक स्रोत में देखिए फारसी, संस्कृत, क्षेत्रीय भाषाएं, अंडरलाइन करिए साहित्यिक स्रोत को, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं, दफ्तरखाना, फरमान, बहिया, पोथियां, अखबारात, विदेशी यात्रियों के वितरांत, फारसी और अरबी, ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक घटनाएं में पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, अब यहाँ से नीचे तक एक भी छोड़ना नहीं है। दिल्ली सल्तनत में गोरी, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश तक, ठीक है, गुर जो है गजनवी, फिर गोरी, फिर तुर्क, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर दिल्ली सल्तनत का हास, फिर मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, सूर वंश, अकबर से औरंगजेब तक सब कुछ, और मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, और उत्तर मुगलकालीन शासक, मुगल साम्राज्य का विघटन, ये सब पढ़ना है। विजयनगर बहमनी में देखिए दक्षिणी सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंड, बिदर, बेरार, अहमदनगर, उत्थान, प्रसार और विघटन, पूर्वी गंग और सूर्यवंशी गजपति, यहाँ ऊपर जो ये दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य की न्यू दिया है ना, इसको दोनों को एक ही टॉपिक से छोड़ना नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मराठों का, यहाँ से पूरा लाइन टिक लगा लीजिएगा, मराठों का उत्थान और शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना, पेशवाओं के अधीन उनका विस्तार, मुगल मराठों के संबंध, मराठा राजसंघ पतन के कारण, ठीक है। आगे आते हैं इकाई 5 में प्रशासन और अर्थव्यवस्था देखनी है कि सल्तनत के समय प्रशासन राज्य का स्वरूप, धर्मतंत्री, ईस्ट केंद्रित, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय प्रशासन, उत्तराधिकार का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। शेरशाह के प्रशासनिक सुधार देखिए, मुगल प्रशासन में केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय, अंडरलाइन करिए इसको, मनसबदारी, जागीरदारी पद्धतियाँ, सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है मनसब क्या होता है, मनसब का, अभी जो शब्दावलिया आपने देखा उसमें भी नाम आया था मनसब का,
तो मनसबदारी जागीरदारी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी प्रशासनिक प्रणाली में विजयनगर राज्य और शासन व्यवस्था, बहमनी प्रशासनिक प्रणाली, मराठा प्रशासन, अष्टप्रधान को 10 बार मोस्ट लिख के इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अष्टप्रधान शिवाजी का अष्टप्रधान याद आता है मराठों का। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में सरहद संबंधी नीतियाँ, सल्तनत और मुगलों के शासन में अंतरराज संबंध, कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था, ग्राम अर्थव्यवस्था, किसान वर्ग, अनुदान और कृषि ऋण, शहरीकरण और जनकीय ढांचा, उद्योग में सूती कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाने और प्रौद्योगिकी, व्यापार और वाणिज्य में राजनीतियाँ, आंतरिक और बाहरी व्यापार, यूरोपीय व्यापार, व्यापार केंद्र, पत्तन, परिवहन और संचार, हुंडी अंडरलाइन करिएगा, विनिमय पत्र, एग्जाम में पूछा गया था क्या होता है हुंडी, हुंडी से तात्पर्य है, ऑप्शन दिया था, हुंडी अंडरलाइन करिएगा। और बीमा, राज्य की आय और व्यय, मुद्रा, टकसाल प्रणाली, दुर्भिक्ष और किसान विद्रोह, किसान विद्रोह को अंडरलाइन कर लीजिए, किसान विद्रोह को अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बने। ये इकाई 5 तक था, इकाई 6 में आते हैं, समाज और संस्कृति के बारे में बात कर रहा है, सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना कैसी थी, सूफी अंडरलाइन कर लीजिए, उनके सिलसिले, उनके प्रथाएँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रमुख सूफी संत, प्रमुख सूफी संत को टिक लगा लीजिएगा। सामाजिक समकालीकरण, प्रमुख सूफी संत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। भक्ति आंदोलन में शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, मध्यकालीन युग के संत, ठीक है, जितने भी हैं, खासकर इसमें लास्ट में जो लाइन है भारत के स्त्री संत, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो महिलाएँ जो संत थी भाई, महिलाएँ उससे बहुत डेवलप नहीं थी, जो महिलाएँ जो संत हुई, जो विदुषी महिलाएँ हुई, जो विद्वान महिलाएँ हुई, ऐसे कि जो है आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो घोषा, कपाला, गार्गी, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सूफी संत भी जो है, स्त्री संत जो भारत में हुई मध्यकालीन के समय, उन संतों के बारे में चर्चा करनी है। सिख आंदोलन, गुरु नानक देव अंडरलाइन करिए, उनकी शिक्षाएँ और प्रथाएँ, आदि ग्रंथ खालसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक वर्गीकरण में शासक वर्ग, प्रमुख धार्मिक समूह, उलेमा, वणिक, व्यवसायिक वर्ग, राजपूत समाज, ग्रामीण समाज, जो पॉइंट दिए हैं ग्रामीण समाज के, इस सारे पॉइंट को टिक लगा लीजिए। छोटे सामंत, ग्राम कर्मचारी, कृषक, गैर कृषक वर्ग और शिल्पकार, ठीक है, इस सब इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाऊँगा आपको, बताऊँगा कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बना। अभी सिर्फ सिलेबस देख लीजिए। स्त्रियों की स्थिति में जनाना व्यवस्था, देवदासी व्यवस्था, शिक्षा का विकास, शिक्षा केंद्र और पाठ्यक्रम, मदरसा शिक्षा, ललित कलाओं में अंडरलाइन के, ललित कलाएं अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। मुगल शैलियाँ, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, संगीत का विकास, सब इंपॉर्टेंट है। और नीचे जो कला और वास्तुकला में इंडो इस्लामी दी गई है और मुगल वास्तुकला, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। और इंडो अरबी वास्तुकला, मुगल उद्यान, मराठा दुर्ग, पूजा गृह और मंदिर, ये सारे पॉइंट जो आपको चर्चा करने इसमें हैं। इकाई 7 में आते हैं, इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, अभिलेखाकारी सामग्री, जीवन चरित्र और संस्मरण, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य, चित्रकारी, स्मारक और सिक्के, ये आधुनिक भारत के स्रोत हैं। जो अभिलेखाकार रखे हुए हैं सामग्री, उनको देखने से, पुराने समाचार पत्रों से, स्मारकों से, सिक्कों से, बहुत से स्मारक आपके दिल्ली में, आपके प्रयागराज में भी हैं, इन सब को स्मारक क्या है, आधुनिक भारत के स्रोत हैं। ब्रिटिश सत्ता का उत्थान 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारी, इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस सीधे पूछ लेता है, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी जो आए थे उनका सीक्वेंस ही सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये इनके बारे में पढ़ना है। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र की स्थापना, विस्तार, भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और पंजाब, 1857 के संबंधित बात यहाँ हो रही है। 1857 क्रांति को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। 1857 क्रांति के होने के क्या कारण थे, उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्रांति हम क्यों हार गए, तात्कालिक कारण क्या था, पूरा कारण क्या था, ये सब चर्चा करनी है। कौन कौन से इतिहासकार उस समय किताबें लिखे हैं, 1857 की क्रांति संबंधित पुस्तकें कौन थी, 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा, किसने सैनिक विद्रोह कहा, किसने प्रथम युद्ध, विश्व युद्ध का नाम दिया, किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे इसमें। आगे है कंपनी के शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विसेज, न्यायतंत्र, पुलिस और सेना, ताज क्राउन के अधीन राजवाड़ों की रियासतों में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीति, ये है। स्थानीय स्वसरकार, संवैधानिक परिवर्तन 1909 से 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, सब इंपॉर्टेंट है। जब संविधान बनता है तो 1935 का अधिनियम से बहुत सी बातें हमने सीधे वहाँ से उठा करके अपने संविधान में रख ली, तो 1935 का अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकाई 8 में उपनिवेशी अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा, कृषि का विस्तार, वाणिज्यीकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमिहीन, श्रम, सिंचाई और नहर व्यवस्था, इन सारी चीज़ों पर क्या करना है दोस्तों, पूरा चर्चा करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, उद्योगों का हास, शिल्पकारों की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, विशहरीकरण, आर्थिक अपवहन, विश्व और अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश औद्योगिक नीति में मुख्य औद्योगिक उद्योग, कारखाना कानून अंडरलाइन करिएगा,
श्रम मजदूर संघ आंदोलन, इसको भी टिक लगाइएगा, इसको अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा, विनिमय, रेलवे, सड़क परिवहन, संचार, डाक, टेलीग्राफ, पूरे लाइन को 50 बार मोस्ट लिख के कापी में टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा, विनिमय, रेलवे, सब। नूतन शहरी केंद्रों का विकास, नगर आयोजन, स्थापत्य की नूतन विशेषताएं, शहरी समाज और शहरी जो है इसमें समस्याएं, ये सब आता है एग्जाम में। अकाल, महामारी, सरकारी नीति, जनजाति, किसान आंदोलन, अंडरलाइन करिए, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्रमण काल में भारतीय समाज, संक्रमण काल का मतलब होता है जब कोई धर्म दूसरे धर्म के संबंध में आए, उसके जानकारी में आए, तो ईसाई धर्म के संपर्क में आए थे, तो ईसाई मिशन के बारे में पढ़ना है, उसकी मिशनरी के बारे में पढ़ना है, भारत की सामाजिक आर्थिक प्रथाएं थी, धार्मिक धारणों की जो समालोचना थी, शैक्षिक अन्य गतिविधियाँ सभी, ईसाई धर्म के संपर्क में आए, हमारा सामाजिक स्तर, हमारा आर्थिक, हमारा धार्मिक कैसे प्रभावित हुआ, इन सब पर चर्चा करनी है। शिक्षा में देखिएगा, सरकारी नीति, स्तर और विषय वस्तु, अंग्रेजी भाषा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य, औषधि, आधुनिकतावाद की ओर, भारतीय पुनर्जागरण को पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूरा टिक लगा लीजिएगा कॉपी में लिख करके। सामाजिक धार्मिक सुधार, मध्य वर्ग का उद्भव, जातिगत संगठन और जाति गतिशीलता, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बहुत इतने आंदोलन हुए हैं, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से लेकर के, आर्य समाज से लेकर के जितने भी हुए हैं, सारे आंदोलन के बारे में चर्चा करनी है। स्त्रियों संबंधित प्रश्न, राष्ट्रवादी चर्चा, स्त्रियों के संगठन, स्त्रियों संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान और संवैधानिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस पे बैन लगा दिया गया था, कौन गवर्नर जनरल था उस समय, फिर किसने इसको बहाल किया, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। भारतीय भाषा और साहित्यिक विधाओं का आधुनिकीकरण, चित्रकारी, संगीत और प्रदर्शन कलाओं का स्थापन। इकाइयों में देखिए दिया है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, ठीक है, इसमें नीचे दिया हुआ है कांग्रेस, पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, पूरा कांग्रेस की स्थापना, उसके अधिवेशन, उसके अध्यक्ष, उसके कार्य, नरम दल, गरम दल, सभी बातें, कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन जितना भी था सब कुछ पढ़ना है। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बम्बई में हुई थी, ग्वालियर टैंक में हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे हुई थी 1885 में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो 1885 से लेकर के 1920 तक के बीच में सारी बातें पढ़नी हैं। स्वदेशी और स्वराज, ठीक है, इसमें स्वदेशी और स्वराज के बारे में पढ़ना है। गांधीवादी जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस का INA, सभी को राष्ट्रीय आंदोलन मध्यवर्ग की क्या भूमिका थी, स्त्रियों की क्या भागीदारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आधुनिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने क्वेश्चन बनते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है, 10 में से मांग चलिए 6-7 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही आने हैं। वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता विभाजन की ओर, उसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात भारत, विभाजन की चुनौतियाँ, रजवाड़ों की रियासतों का एकीकरण, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ अलग से दिया है, क्योंकि ये तीन राज्य ऐसे थे जो स्वतंत्र होने के बाद ना तो भारत के साथ रहे ना तो पाकिस्तान के रहे, बाद में से भारत मिला लिया गया, कश्मीर को लेकर समस्या उत्पन्न हुई जो आज तक बरकरार है, वो क्या घटना थी, कैसे हुई, इस सब चर्चा करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। B.R. अम्बेडकर, भारतीय संविधान का निर्माण, इसकी विशेषताएँ, अधिकारी वर्ग का ढांचा, नई शिक्षा नीति, आर्थिक नीतियाँ और नियोजन प्रक्रिया, विकास, विस्थापन और जनजातीय मुद्दे, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, केंद्र राज्य संबंध, विदेशी नीति संबंधी पहल, पंचशील, भारतीय राजनीति की गत्यात्मक, आपातकाल उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण तथा वैश्वीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तो वैसे आपको याद करना है। इकाई 10 में देखिए क्या दिया गया है, ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली और इतिहास लेखन, इसको देखना है, इतिहास की विषय विस्तार, सीमा और महत्व के बारे में जानना है, इतिहास में वस्तुनिष्ठा, पूर्वाग्रह के बारे में जानना है, अन्वेषणात्मक संक्रिया, इतिहास में आलोचना, संश्लेषण तथा प्रस्तुति, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान, इतिहास विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान, इतिहास में कारण कार्य संबंध और कल्पना, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास में प्राकल्पना, प्रस्तावित शोध का छात्र, स्रोत आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक, द्वितीयक, मूल तथा पारगमनीय स्रोत, इतिहास शोध में प्रवृत्तियाँ, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन, इतिहास में विषय का चयन, नोट्स लेना, संदर्भ निर्देश, पाद टिप्पणियाँ, ग्रंथ सूची, थीसिस, शोध प्रबंध, निर्दिष्ट कार्य को पूरा करना, साहित्यिक चौरी, बौद्धिक बेईमानी और इतिहास लेखन, ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ, यूनानी, रोमन और गिरजाघर संबंधी इतिहास लेखन, पूरा जागरण अंडरलाइन करिए, पूरा जागरण को, इतिहास लेखन व इसका प्रभाव, इतिहास लेखन में नकारात्मक और सकारात्मक समर्थक,
इतिहास लेखन है, बर्लिन क्रांति जितने भी चार ओडीचे दिए हैं सबको अंडरलाइन कर लीजिए। बर्लिन क्रांति, मार्क्सवादी दर्शन, चक्रीय सिद्धांत, प्रत्युत्तर सिद्धांत और इतिहास में उत्तरवाद, आधुनिकतावाद। ये दोस्तों आपके इतना जो लंबा सिलेबस दिया है, अगर हम शॉर्टकट में बोलें, अगर हम शॉर्टकट में बोलें सिर्फ इतना जान लीजिए कि आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा संक्षिप्त में बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, डिटेल में पढ़ना है। शॉर्टकट में नहीं कि एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर कभी सोचे होंगे कि जीएस की तैयारी कर रहे होंगे एकदम आ जाए। चुनी नेट 11 का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें एक सब्जेक्ट स्पेशल है तो समझ लीजिए बहुत डीपली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था, इसको देख लीजिए और इससे संबंधित क्लास भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। आज इसकी पहली क्लास, आज ही इसका क्या कहते हैं इसे सिलेबस अपलोड होगा। इसे कुछ देर बाद ही आपके हिस्ट्री की पहली क्लास भी चलेगी। टीचर्स एकेडमी अपने चैनल पे आपको लिंक भेज दी, नोटिफिकेशन चला जाएगा। नोटिफिकेशन भेजने के 15 मिनट बाद ही हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी। जो भी छात्र छात्राएं अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऊपर दिए गए नंबर पे जा करके संपर्क करें, कॉल करेंगे। कॉल अगर इनकेस नहीं उठ पाता है, कभी कभी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसमें मैसेज में लिख करके नेट GRF हिस्ट्री लिख करके सेंड कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अपलोड किया था, और कोई छात्र अगर पॉलिटिकल साइंस का करना चाहता है तो उसी नंबर पे नेट GRF पॉलिटिकल साइंस लिख करके मैसेज कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों सिलेबस देख लीजिए, उसके कुछ देर बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है।